फिर मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरा नाम शाहमीर है। माशाल्लाह, नाम भी प्यारा है, पर्सनालिटी भी प्यारी है आपकी। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से स्पेशली आपके शो में आया हूँ। जिंदाबाद। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक शायरी आपको सुनाना चाहूंगा। जरूर जी जरूर। तकली सज्जन तेरी यारी, तकली सजना तेरी यारी, कदी मिस कॉल भी तू ना मारी, कदी मिस कॉल भी ना तुम्हारे, वाह। इधर उधर लमिया गल्ला, मुक जाए बैलेंस साड़ी वारी, सब नंबर आते मैसेज जावन, आन ना सिग्नल साड़ी वारी, लेडीज फर्स्ट ते सारी रात जागे, ते नींदर आ जांदी है साड़ी वारी, दस दे सजना की इको वारी, की मौत पैंदी है साड़ी वारी। वैसे आपके दुख का एक सलूशन है मेरे पास, आप कभी ना अपने पल्ले से बैलेंस डलवा के देखें मोबाइल। मेरा ख्याल है ये सारे आपके दुलिद्दर धुल जाएंगे। कोई पता नहीं कि उधर वो भी यही शायरी पढ़ रहे होंगे। मेरा जिसे एक सवाल है, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि आप तातीलात पे गई थी कनाडा शोज करने के लिए। सुना आपके वहाँ पे बहुत कामयाब शोज हुए हैं। मेरी अजीजा वहाँ रहती है जो कि आपको वहाँ तब तोहफा देना चाहती थी जो कि रश के बायस ना दे सकी। अब वो तोहफा आपको कैसे दिया जा सकता है यहाँ? तो बेटा मुझे दे दे, मेरे पास ही बैठी है, मैं दे दूंगा। ये भी मुझे दे दे, मुझ पे इतबार करे यार। इनको छोड़े, इन पे निमरा इतबार नहीं करती। भी बाद में सख्त हो जाते हैं कि नहीं 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 ये अदारे की चीजें हैं। आप लाहौर में कहाँ रहते हैं? समराबाद। समनाबाद में रहते हैं? समनाबाद मेरी खाला रहती है। आप उनको दे देना, वो मुझे दे देंगी, मैं निमरा मेरा को दे दूँ। मुझे पहले एड्रेस तो पता चले। नहीं, आप समनाबाद में रहते हैं ना जी, एड्रेस तो आपने बताना है। मुझे बताओ, मेरी खाला ना सी, मैं खुद आ जाऊँगा। आप एड्रेस बताएं, वो आपको भी उठवा ले, गिफ्ट तो बहुत दूर की बात है। आए सही अब किसी तरीके से। यार आप काम का ऐसी वाया बठिंडा जा रहे हैं, आपने अभी जिक्र किया है ना, आप अगर कहीं कोकाफ पे भी रहते हैं ना तो 7 मिनट के अंदर अंदर अगर निमरा मेरा खुद अपना तोहफा ना लेने पहुंची, मेरा नाम बदल गांधी का नहीं है कि मैं आई आई आई। भाई अगर ते तोहफा वार के देना ते आ हकदार। निमरा ते तोहफा फड़ दे, कह दें तू सुबह दी पागा बाबर। मेरा सवाल नसीम विकी साहब से है कि आप बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, तो मेरा सवाल भी थोड़ा कॉमेडी सही है। अच्छा, कि आप कभी जा रहे हो, आपने देखा एक कुत्ता रेस्ट कर रहा है, रेस्ट कर रहा है जी, और कभी आपको शरारत सूझी हो और आपने से रोड़ा मार दिया हो और फिर वो आपको घर तक छोड़ के आया हो। अभी हुआ ऐसा? बात सुने ना, आपने बताया कि आपका सवाल कॉमेडी से है, तो आपको शरारत सूझी हो, अगर कुत्ते को भी आगे से शरारत सूझ जाए फिर बस, फिर अगला भी सूझ गया, शरारत भी सूझ गई, जिन्हें शरारत की थी वो भी सूझ गया। असल इस तरह की शरारत वैसे होती नहीं है, क्योंकि अपना पहली तो गल है कि तुम मेरे नाल हो या उस कुत्ते दे नाल हो। पहले तो कुत्ते नूं तुसीं रेस्ट करा रहे हो तो मेरे को शरारत करा रहे हो। इस तरह नहीं होता। वैसे बंदा किसी के घर चला जाए ना तो वहां पर जो घरों के गेटों के अंदर जो कुत्ते होते हैं ना उनको देख के जान निकल जाती है। हमारे यहाँ पर एक पहलवान है पाकिस्तान के लाहौर के, मैं उनके घर गया था, उनका जो कुत्ता ना मतलब जिस तरह का बंदा होता ना उसका एक्सप्रेशन भी वैसा ही हो जाता है। वो वड्डा कुत्ता उन्होंने घर खलोता तो अख के ना इन करके किस काले जे रंग दी ना आंसू जी आया हुआ, बड़ा खौफनाक, बड़ा खौफनाक जो लुक होर खतरनाक। दरवाजा खोल दे तो अंदर गया ना तो कुत्ता जरा ना पहले तो वेखदा इन करके। मैं क्या वैसे वेख रहा, थोड़ा जहा पैर इन करके अंदर किया कहता। मैं उन्होंने कहा, मैं भाई जान फड़ो दरा, नहीं नहीं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। जिस तरह मैं टोर रहा तो भी हल्का जहा टोर रहा। मैं क्या भाई जान फड़ो की करते पे, तो उसकी सेहत बहुत ज्यादा मतलब बड़े ना से बेची बच गया तेने धक्का दे के छोड़ देना। और आम तौर पे आप नोट करें कि जो मालिक कह रहे होते हैं ना कुत्ते के बारे में, कुछ नहीं कहना कुछ नहीं कहना। जब वो कुत्ता काट ले तो कहता यार इन्हें सवेर की रोटी नहीं सी खाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन का ऐलान हो चुका है पर अभी तक इसका टेम्पो बनता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा? आपको नजर नहीं आ रहा, टीवी पे तो हमें नजर आता है रोजाना, बड़े बड़े शहरों में 20-25 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तो आपको वो इलेक्शन का टेम्पो नजर नहीं आ रहा? और इलेक्शन का टेम्पो क्या होता है, इधरों फाड़ रहे ट्रकों में डाल रहे हैं फर्स्ट क्लास टेम्पो। आप किस टेम्पो की बात कर रहे हैं? जलसे जुलूस नजर नहीं आ रहे ये कह रही हैं आप? बरहाल बरहाल तो जलसे जुलूस भी नजर आ रहे हैं। वो आप देखती नहीं है, जलसे जुलूस भी नजर आ रहे हैं, सब जमातों के नहीं है लेकिन बहरहाल जलसे जुलूस तो हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो इलेक्शन टेम्पो से पता नहीं आपकी क्या मुराद है, इलेक्शन टेम्पो तो हमें तो बड़ा फर्स्ट क्लास नजर आ रहा है। कोई नान बिरयानी आवेगा भी आवेगा, लॉस की आदत ना झुकने वाला ना बिकने वाला ना।
अभी बैनर नहीं शुरू हुए, अभी पोस्टर नहीं लगे, लेकिन वो भी लगने शुरू हो जाएंगे। अगर बैनर पोस्टर भी नहीं लगे और अभी तक कीमे वाले नान भी नहीं लगे। देखा शेर बोला है, शेर का बच्चा लगा है, शेर का बच्चा। तुसी देखो सर, बाजरे वाली आइटम नान का जिक्र कर रही। सर हमारी ऑडियंस में एक नौजवान है जो बहुत अच्छी मिमिक्री करता है, अगर आप इजाजत दें तो उनके जौहर देखने के लिए यहाँ बुला लें। जरूर जरूर, आ जाए आ जाए आ जाए, इधर लेबोरेटरी जा जाओ, इधर मिमिक्री करते हो आप? किस किस की, किसकी आवाज निकाल लेते हो? मैं वैसे बॉलीवुड एक्ट्रेस की आवाज भी निकालता हूँ, लेकिन अच्छा। मैं आपको बॉलीवुड प्लस पाकिस्तानी जो हमारे सियासतदान है उन दोनों बॉलीवुड एक्टर्स की, दोनों पे कर लेता हूँ, लेकिन बॉलीवुड एक्टर्स में ज्यादा अच्छी कर लेता। अच्छा, चलें। नहीं, सर अलग होना चाहिए फिर। इसकी पहले कभी किसी ने सुनी ना हो। अरशद वारसी की कर सकते हो? हाँ जी हाँ जी, मैं अरशद वारसी की कर सकता हूँ। देख लो सरकट की बड़ी मुश्किल आवाज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो करके दिखाओ भाई। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। बाय 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 बाय, मैंने विकी भाई को कह दिया। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन में से किसकी निकाल? इमरान खान की, शेख रशीद की निकाल लेता हूँ। शेख रशीद, देखा जी, मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी आवाज इस एपिसोड में आ गई है, ये एपिसोड हिट है। हाँ जी। अच्छा शेख साहब को ये भी पता है कि मेरी आवाज रेटिंग वाली। जैकी श्रॉफ की निकाल लेते हो आप? हाँ जी, जैकी श्रॉफ की, उनकी सुनाओ। मेरा बच्चा है तू, बच्चा है तू, मैं जब इंडस्ट्री में आया मैं बहुत मेहनत किया, मैं टाइगर को अभी एक्टिंग सिखा रहा हूँ, मेरे को पता है बड़ी खराब एक्टिंग करता है, लेकिन मेरे मेरे बच्चों को आप चांस दे, बहुत अच्छी एक्टिंग करेगा, टेंशन ले लिया आपने। लव यू लव यू, सबको लव यू, बच्चा तू, बच्चा तू। परेश रावल की आवाज निकाल सकते हो? थोड़ी बहुत उसकी निकाल लेता हूँ। पोक लग रहा बाबा, मैं तो उसको कहा था राजू को, राजू मस्त तेल में फ्राई करके मेरे लिए मच्छी लेके आएगा। यार बहुत अच्छा। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन में से किस किस की निकालते हैं बताया नहीं? मैं इमरान खान साहब की निकाल लेता। अगर आपने कहीं और आवाज नहीं निकालनी ना तो इमरान खान की निकाल। देखे देखो देखे, जुनैद साहब झुकते नहीं करनी मुझे। नहीं सर, मैं कैसे जुगत कर सकता हूँ? मेरी बात सुने, मैं अभी जेल में हूँ, लेकिन आप ये याद रखें, जब मैं जेल से बाहर आऊंगा मैं आपकी एक एक जुगत का जवाब सोच कर आऊंगा। जेल से रिहर्सल कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं आप जेल में किताबें पढ़ रहे हैं, आप जुगतों का जवाब सोच रहे हैं। ना तो कोई पता नहीं बारा की कह दें। जुनैद तुम्हारा मुंह पता केंजे अगो जाके थोड़ा जेन जे। वेरी वेल डन जी, वेल डन मैन, बहुत अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छा।